सोशल मीडिया पर कैसे डूबते हैं, आज मैं बड़े इंकशाफ करने लगी हूँ। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। बहादुरी का काम होता है जो हर एक के बस की बात नहीं होती है, ना उसको किसी ने सिखाया था ना उसके अंदर ये चीज थी। मगर इस खबर के अंदर छुपी हुई घिनौनी साजिश क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रख दूंगी। वो तो है ही सर, शुरू से ही है। शुरू से अब ज्यादा बढ़ गया कि पहले जितने जितने साथ रह रहे हैं उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। भारत वाले समझ लो, ये जो है ना हिंदू हैं, बडानी के, कश्मीर के या कंदकोट के हिंदू हैं, वो समझ लो ये जो लड़की है वापस करो। अगर जो लड़की वापस नहीं हुआ तो ये मंदिरों में चलेगा, ये माल जो है मंदिरों में चलेगा। ठीक है भाई, तो उनको मैं यही कहूँगी, करते रहो भैया जो करना है। सीमा मरेगी भी हिंदुस्तान में और सीमा जिएगी भी हिंदुस्तान में। टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए पहले बैरूने मुल्क ले जाने के सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं या फिर एडवेंचर का चैलेंज दिया जाता है जो हकीकतन एक ड्रोना ख्वाब साबित होता है। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे। वो लोग तो मुझे समझ नहीं आती वो कह कैसे रहे, क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? जब यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तानी है तो वहाँ के हिंदू क्या पाकिस्तानी नहीं है? अब इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है जिसको हम कहेंगे गेम। मैं ये बोलूंगी कि वो खुश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए कि भाई वो कैसे आई, क्यों आई। जो की बुरी बात ये है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पका की दब। सोशल मीडिया पर कहने की जो खेल है ये धड़ल्ले से जारी है। मेरा इश्क है वो, मुझे प्यार है उससे। मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती, मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। इसे गेम का नाम दिया जाता है जिसमें बाहर जाने वाले को जान पर खेलकर दूसरे मुल्क पहुंचना होता है। दूसरा आज वो अब अफसोसनाक या कुछ दीगर आम खबरों की तरफ बढ़े, गैर कानूनी तरीके से जो बाहर जाने वाले हैं। देखेंगे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। लड़की जो बड़ी खूबसूरत है भाई, हूर दिखाई देती है, बिल्कुल सही। वो तारिक जमील साहब जो है ना, वो उनका नक्शा कुछ मिलता जुलता है उनकी हूर का। देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पहली बात तो ये। एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर उसको टाइम नहीं दे रहा औरत की, अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, और वहाँ से खराब होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत की एक लगन। यार इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मोहब्बत होती है ना उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। आपको किसी से भी जो है वो प्यार हो सकता है, बेशक वो आपके पड़ोस के मुल्क में काम कर दिया, वो तो हमारी माशाल्लाह से मलाला भी ना कर सकी। तो दोस्तों, फाइनली सीमा हैदर के भाई का वीडियो आ चुका है तो चले दोस्तों उसके भाई की बातें सुनते हैं, जरा वीडियो देखिए। यार ये इंडियन खरामखोर न्यूज चैनल नहीं है, इन्होंने तो ये सीमा हैदर हमारे गांड और नाक में ऐसे घुसा दिया ना कि अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि करे तो क्या करे। जो भी वीडियो देखोगे तो वहाँ सीमा हैदर अरे पाकिस्तान से चार बच्चों की माँ एक इंडिया खरामखोर लड़के के पीछे आई है। अरे तो क्या हुआ, अब इंडिया वाले इससे खुश है, इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा कि पाकिस्तान से चार बच्चों की माँ एक इंडिया लड़के के पीछे आई थी। और ये इंडिया वाले तो और कुछ कर नहीं सकते, ना हमारे फौज के साथ लड़ सकते हैं, ना हमारे ISI के साथ लड़ सकते हैं, ना हमारे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, ना हमारे साथ बास्केटबॉल खेल सकते हैं, ना वॉलीबॉल, ना हॉकी, ना फुटबॉल और ना टपाटप, डरते हैं। तो सिर्फ इनका ये इतिहास होगा कि यार पाकिस्तान से लड़की आई। यार खुदा का खौफ करो यार, यार इंडिया वालों ने, हराम खोरो आप लोगों ने कौन सा इतना बड़ा तीर मारा है कि हर न्यूज चैनल पर, इंडिया के हर न्यूज चैनल पर सीमा हैदर, सीमा हैदर। और यार इस लड़के को देखो यार, ये लड़का ऐसा होता है यार, अल्लाह माफ करे यार, इस हराम खोर का शक्ल देखो जैसे कछुए का जुकाम हो। और ये भी कह रहे कि मैं, ये भी मन में खुश हो रहा है कि मेरे पीछे भी बच्ची आई है। अब हरामखोर ये बच्ची नहीं है, ये 30 साल की 40 साल की लड़की है और इसके चार बच्चे हैं। शादी से पहले इसके कराची में एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, शादी से पहले वो उनकी ट्विनिंग करता था, फिर उसका पति आया, पति ने अच्छी तरीके से ट्विनिंग कर दी, सब चीज़ों को खुला रख दिया और फिर वो उनका काम वहाँ नहीं बना तो वो इसके केचुए के पास चली आई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप हमें सिर्फ इस बात पर, मतलब हमें दुख पहुंचा सकते हो कि पाकिस्तान के लड़की आई है, पाकिस्तान की लड़की है, पाकिस्तान की लड़की, ये कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है हराम खोरो। सबसे पहले तो भाई ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ नहीं जीत सकता। भाई चार जंगे जीती है, ठीक है, 93,000 आप लोगों को सरेंडर किया है, उसके बाद अभी 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 इसी महीने में जो है वो फुटबॉल टीम भी जो है वो तुम लोगों से जीत चुकी है हिंदुस्तान की और रही बात क्रिकेट की, वो तो सबको पता है कि कितने फेंटे लगाए हैं हिंदुस्तान ने
पाकिस्तान को, तो उसमें भी आगे। और रही बात अब यहाँ पर टपाटप की, तो भाई टपाटप करने के लिए तो आप लोग खुद आते हो हिंदुस्तान अब आप लोग खुद आते हो टपाटप करवाने के लिए, या फिर अगर ज्यादा गर्मी चढ़ जाती है तो तारा सिंह खुद आ जाते हैं सकीना को लेने या सीमा आती है या लेने चले जाते हैं सकीना को, तो और कितना टपाटप। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सनी देओल पाजी इसी के साथ टपाटप के देख भाई सनी देओल पाजी जो है ना वो आदमियों के साथ टपाटप नहीं करते। अगर तेरा ज्यादा दिल हो रहा है कि तेरा कोई टपाटप कर दे तो दीपक कलाल को फोन करके भेजता हूं तेरे पास भाई मैं तो होती है कि वीडियो देखकर काफी ज्यादा हंसा हूँ। बहुत बुरा करेंगे वहाँ पे मेरे साथ। क्या लगता है कि आपको बेलाव शर्ट बुला रहे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मारी देंगे, हमारा यही सिस्टम चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर सईद। क्या करते हैं आप? सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है, अच्छा। अभी एक खबर सोशल मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे बड़ी चल रही है, पाकिस्तान की वुमेन है सीमा हैदर उनका नाम है, अपने चार बच्चों के साथ वो इंडिया जा पहुंची है अपने लवर के पास, वहाँ पे जाके उसने शादी भी की है और प्रॉपर मुसलमान से वो हिंदू हो चुकी है। आपने ये खबर सुनी है पहले? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसके बारे में वही जैसे कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेहरमती की है वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए। ठीक है, यानी कि सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल जाए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी नॉन मुस्लिम को जब मुस्लिम करते हैं, शादी करते हैं बहुत से मुसलमान, तो फिर क्या उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर ये कहूँगा कि वो उनको फोर्स नहीं करते। अच्छा, तो इन्होंने आपको कैसे पता कि मतलब वो जो इधर से खुद इंडिया चली गई है नेपाल के थ्रू, तो क्या फोर्स किया होगा उसने? एक्चुअली इस बारे में यही कहा जा सकता है कि हमें इस बारे में प्रॉपर नहीं पता। ठीक है, उसको फोर्स करके बुलाया गया या उधर जाकर उसको फोर्स करके इस पे हिंदुइज्म अपनाने पे फोर्स किया गया। ठीक है, इस चीज़ का प्रॉपर इलम नहीं है, लेकिन हमारा यही ख्याल है कि इसके लिए प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, जो हम सोचते हैं वैसे सजा इसको देनी। ठीक है, उधर के जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया, वहाँ के रिपोर्टर, वो जब उनके पास पहुँचे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो ये कहती नजर आ रही है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रही है, और इसके अलावा यूपी के जो CM हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि हमें यहाँ की इंडिया की यानी कि सिटीजनशिप दी जाए। क्या उन्हें मिलेगी सिटीजनशिप? मेरे ख्याल से इंडिया तो पहले मौके ढूंढता है ऐसे क्या कि पाकिस्तान से कुछ ऐसी अफवाहें उड़े, खबरें आए, लोग आए, उनके बारे में कोई पॉजिटिव नेगेटिविटी पकड़ी जाए। नहीं, तो ये अफवाह तो नहीं है, तो एक हकीकत है ना। मैं एक बात करूं, अगर हकीकत को मद्देनजर देख के बात की जाए तो वो डेफिनेटली उसको देंगे सिटीजनशिप, देंगे उसको। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपके विचार, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दे के ऊपर, तो वो कमेंट सेक्शन सिर्फ आप ही के लिए है। तो मैं रामलला जी के दर्शन करने गया था अयोध्या, चार दिन वीडियो गए नहीं तो एल्गोरिथम बिगड़ गया, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।